हेलो एवरीवन, एंड हमारे सामने है BSA गोल्ड स्टार 650। ये आती है 650 cc सिलेंडर के साथ और ये सिंगल सिलेंडर है, तो इसको एक बार जब चला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी रिफाइनमेंट कैसी है, क्योंकि इतना बड़ा इंजन एक सिलेंडर पे दे दिया तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात अगर मैं करूँ इसकी, इसका वेट काफ़ी कम है, 200 किलो की बाइक हो जाती है ये। तो इंटरसेप्टर या अगर आप GT650 टाइप की बाइक पसंद करते हैं तो लगभग वैसा वैसा इसका वेट है। हाइट मुझे सही लग रही है इसकी, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ये 800 NM के लगभग हाइट मुझे दिख रही है। अभी मुझे स्पेसिफिकेशन नहीं पता, मैं देख के बता दूँगा। एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर हम देखें तो ये क्लासिक जो आपको जावा और ESD में मिलता है, ये रिवर्स वाला वैसा मिल जाता है। चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखे हैं, टाइप सी और USB A दो दे रखा है। एक एडिशनल सॉकेट यहाँ पे दिया है इसमें, ये 12 वोल्ट का, तो इसको भी यूज़ करा जा सकता है। वैसे तो मेरे हिसाब से ऊपर वाला ही इनफ रहता है। तो टायर इसके ट्यूबलेस हैं पर स्पोक व्हील में दे रखा है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बाइक को एक क्लासिक लुक भी मिल रहा है। तो गाड़ी का जो रेशियो है वेट का पावर से रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, 55 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। ये बैक प्रोफाइल कुछ तरीके की है इसकी। मुझे जो चीज़ इसमें नहीं पसंद आई वो ये साड़ी गार्ड है। हालांकि लोग साड़ी गार्ड को निकाल देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी ये इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है मुझे। जिसकी प्राइस रेंज है ये ऑन रोड आ जाती है 366,000 अप्रॉक्सीमेटली, स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर कर सकता है। बस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी मुझे कॉस्ट की ज़्यादा मिली। आप लोग बताइएगा कैसा आप लोग को लग रही है बाइक। देख ठीक, रैप अप करते हैं, एक बार इसका राइड रिव्यू भी लेंगे और फिर राइड रिव्यू भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोनस, अभी तक हम लोगों ने इसी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो लेट्स सी हाउ दिस साउंड्स। थोड़ा रेस्ट करिए।